सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज राजपुरा की राजनीति में बदलाव देखने को मिला जब लोक भलाई ट्रस्ट के चेयरमैन व हल्का राजपुरा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके श्री जगदीश कुमार जग्गा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर जगदीश कुमार जग्गा ने अपने निवास स्थान पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया व सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने यहां पर शिरकत की। इस मौके पर राजपुरा पहुंची पूर्व विदेश राज्य मंत्री महारानी प्रनीत कौर, हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व हल्का गनोर के विधायक श्री मदनलाल जलालपुर जी का राजपुरा के लिबर्टी चौक में पहुँचने पर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से श्री नरेंद्र शास्त्री व देहाती प्रधान बलदेव सिंह गद्दोमाजरा व यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विदेश राज्य मंत्री महारानी प्रनीत कौर, हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व हल्का गनोर से विधायक श्री मदनलाल जलालपुर ने श्री जगदीश कुमार जग्गा व उनकी धर्मपत्नी श्री रंजना वर्मा का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। वहीं विदेश राज्य मंत्री महारानी प्रनीत कौर, हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व गनोर के विधायक श्री मदनलाल जलालपुर ने श्री जगदीश कुमार जग्गा व श्री रंजना वर्मा को सिरोपा डालकर कांग्रेस में शामिल करते हुए उनका स्वागत किया। वहीं कहा कि जगदीश कुमार जग्गा के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस मौके पर जहां जगदीश कुमार जग्गा ने मंच से बोलते हुए पूर्व विदेश राज्य मंत्री महारानी प्रनीत कौर, हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व हल्का गनोर के विधायक श्री मदनलाल जलालपुर का उनके निवास स्थान पर पहुंचने पर स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि महाराजा अमरेंद्र सिंह के परिवार ने हमारे बुजुर्गों को पाकिस्तान से यहां आने पर संभाला भी था और उन्हें बसाया भी था। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से जब से कांग्रेस सरकार बनी है उस दिन से आज तक विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने राजपुरा के विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। उसी चीज से प्रभावित होकर आज मैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में राजपुरा के विकास के कार्य और तेज करवाए जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं श्री जगदीश कुमार जग्गा ने मंच से क्या कहा। मेरी बहनों, भराओं, बुजुर्गों, सारे गढ़ के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सबको पहला महाराणी जी नूं मेरे घर वैसे दूसरी बार आ रहे हैं इतने आन से जी आया कहना नाल मैं धन्यवाद करता उन्होंने मेरे वर्गे निमाणे बंदे नूं पार्टी शामिल करके बहुत ही उन्होंने था। महाराणी साहब मेरे को हरेक कोई पूछता भी तुसी कांग्रेस ज्वाइन क्यों की। मैं उन्होंने एक ही गल कहना सिर्फ दो कारण ने जिहड़ी मेरे कांग्रेस ज्वाइन कराने का कारण ने। पहला कारण बौलपुर बिरादरी का। जदों साडे बजुर्ग पाकिस्तान ते हिंदुस्तान का बंटवारा होया सी उस टाइम सारे ही साडे बजुर्ग मैनू दसदे हुंदे सी, मैं तो देखे नहीं, गाने सुनांदे सीगे पूरे, मेरे फादर साहब, मेरे दादा जी, सारे जिन्ने भी बजुर्ग मिलते सी उस टाइम महाराजा परिवार ने साडी बांग फड़ी सी। असीं इत्थे टेंटां च रहिंदे सीगे, सारे बजुर्ग साडे टेंटां च रहिंदे सी। महाराजा परिवार ने सानू इत्थे वसाया, उन्होंने सानू इत्थे पैक्सू ट्रेनमेंट बोर्ड बनवा के सानू 1000 रुपए विच 50000 रुपए महीना किस्त च सारे नू घर दवा जिहड़े अज 2-2 करोड़ दे घर ने। श्री महाराणी प्रनीत कौर ते अज असीं जिथे तक पहुंचे हैं साडे उन्होंने सानू क्यों वसाया, उन्होंने पता सीगा ये जिहड़े लोग ने मेहनती ते शरीफ लोग ने ता करके उन्होंने सानू इतने उन्होंने वसाया। जिहड़े अज तुहाडे आशीर्वाद नाल मैं कहना चंगे चंगे कारोबारी चंगे चंगे अफसर चाहते हैं, ये तुहाडा सारे खानदान का आशीर्वाद है। ते मेरे बुजुर्ग हमेशा कहते होंगे सी कहिंदा यार पार्टी का तू ज्वाइन कर ली अकाली दल, कहिंदे पर आपां महाराजा परिवार का एहसान नहीं उतार सकते। ते इन्हां दा आपां एहसान जिहड़ा इन्हां ने एहसान कीता ना पर उत्थे ते आपां जिंदगी च भी नहीं उतार सकते। हमेशा मेरे फादर साहब ने चलो हुण डैथ हो गई है, मैं जदों भी सोचता सीगा
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੰਟੀ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ MP ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜੂਗਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ 6000 ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ 17000 ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ 50000 ਦੀ ਲੀਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਮਿਲਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ PPCC ਸਦੱਸੇ ਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਮਿਲਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਸੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਕੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਪਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੱਗਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਫਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਔਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
कि कितने जाना है थोड़ा अर्ली निकलना है, ज़्यादा डिटेल दे विच एमएलए साहब गल करेंगे। पर एक आप सब नू बधाई देना चाहना अज दे इस इतिहासक दिन दे जो सोच तुसी आशीर्वाद दिंदे आ, जो विश्वास तुसी आशीर्वाद दिंदे आ कांग्रेस पार्टी दे विच अपने सेवादार इस हल्के दे सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी दे विच जो विश्वास तुसी जताते रहे हो, अज का यह स्टेप उस विश्वास नूं होर बल देन जा रहा और जो सुपना जो ख्वाब आप रल के साडे शहर वास्ते साडे इलाके वास्ते जो देखिया सी उस विश्वास का उस सुपने की अज जित हुई है। जो मेरी बेनती कबूलदिआं मेरे वड्डे वीर तुहाडे सारे सिर दे ताज तुहाडे दिलां दी धड़कन तुहाडे हरमन प्यारे जग्गा जी ने कांग्रेस पार्टी दे नाल जुड़न दा फैसला कीता, सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी दे मोढे नाल मोढा ला के उन्हां दी समुची टीम दे नाल मोढे नाल मोढा ला के विकास जो पिछले दसां वरियां दे विच साडा जिहड़ा नुकसान होया होया सी जो अज डिग्गिया होया सी राजपुरा उन्हूं दोबारा खड़ा करन दे विच सहायक बनणगे पूर्ण ते पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ते। बहुत ही मान सत्कार इन्हां नूं आने वाले समय दे विच कांग्रेस पार्टी देगी। जिस तरीके समुची कांग्रेस की टीम नूं सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी ने कमाड़ा दे विच परोया, नीचे तो वर्कर सदाना नूं चक के अज सरकार दे विच भागीदार बना रहे ने, उसे तरीके मैं आप सब नूं विश्वास दिवाना चाहुंदा वी साडे माननीय जगदीश कुमार जी नूं वी बहुत वधिया मान सत्कार मिलेगा आने वाले समय दे विच। और ज्यादा समा ना लंदा होया आप सब नूं दोबारा उस वादे दे तुहानूं चेते कराउण जा रहे हां, इह विश्वास बनाए रखियो जो वादा तुहाडे नाल कीता सी। कंबोज परिवार दीआं सत पीढ़ियां अखीरले साह तक तुहाडे चरणां दे विच बह के तुहाडी सेवा असीं करदे रहे रहीए, तां वी तुहाडा ऋण नहीं असीं उतार सकदे, पर इस विश्वास नूं बरकरार रखांगे और उस परमपिता परमेश्वर दे आशीर्वाद दे नाल थोड़े विश्वास नूं होर बुलंद करदे रहांगे और राम राज की स्थापना का सुपना आपां सारे ने रल के सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी दे नाल इस हल्के दे विच देखिया सी। उस पटड़ी तो लही हुई गड्डी नूं अज एक मोढ़ा होर मिल गया तो उस गड्डी नूं असीं लीह ते दुबारा चलाण जा रहे हां। बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख वधाई। इस अवसर पर जिस व्यक्ति को जगदीश कुमार जग्गा के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर बल मिला है, हाँ हम बात कर रहे हैं हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने अपनी खुशी आए हुए लोगों में बांटते हुए क्या कहा। बंद करा दें श्री जगदीश कुमार जग्गा जी नूं महाराणी परनीत कौर जी खुद पूरी ब्लाक कांग्रेस कमेटी पूरी जिला कांग्रेस कमेटी मैं ते मेरा भरा श्री मदन लाल जी असी खुद क्योंकि जगदीश कुमार जग्गा मेरे परिवार का मैंबर है कोई अच्छा नहीं लगभग पिछले 20 साल तो
ये ठीक है कि अलग किसी पार्टी के मैं उदों भी कहा करता सी कि जग्गा जी तुम मेहनती बहुत हो पर थोड़ी उरे थान नहीं बननी। चलो हो सकता इस उदों काफ़ी उम्मीदा या लालच या कुछ भी बड़े सौजबाग दिखाए हो मैं क्या कि वह बड़िया कट्टर पार्टियां ने किसे वक्त मेरे भी करके आके बैठी सी लीडरशिप मैं उन्होंने तोड़ के जवाब दिता कि असं बड़े सैकुलर हैं कांग्रेस पार्टी बड़ी वड्डी पार्टी असं कांग्रेस पार्टी चाहवांगे। सो बहुत ही चलो पिछे विधानसभा दे विच इन्होंने चोण लड़ी भाईचारे ने दोस्तों मित्रों ने मदद की 15,000 वोट भी यह लैके गए पर मैं उस दिन तो जो असी मिले सी उत्थे काउंटिंग होंदी सी मैं कदे अपने मन च नहीं लियांदी गल मैं उदों भी जफ्फी पा के मिलिया नतीजा आया तां भी बाद दे विच भी मैं ही खुद फोन किया इन्हां नूं कि जग्गा जी जे कोई गल नहीं जीता हारा एक पार्ट जिहड़ा है वह पार्ट है एक है राजनीति का पर ठीक है असं बन गए हाँ साड़ी सरकार बन गई थानू किसी वक्त भी मेरी जरूरत हो मैं अद्धे बोल भी थोड़े नाल खड़े हूँ। कई बार इन्ने ज़्यादा मजबूत होंगे कि थोड़े सामने तस्वीर आ गई है। सो मैं बतौर कांग्रेस प्रेजिडेंट जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान होने के नाते इस हल्के के सेवा हौसदार होने के नाते श्री जगदीश जग्गा जी को मेरी छोटी भैन रंजना जो कौंसलर है ये दोवें जिहड़े कौंसलर हैं महाराणी साहब जो पिछे चोण हो रही थी जग्गे को राजनीति लिया वाला भी मैं ही हाँ उस वक्त मेरे से बड़ा जोर से मैं ये सामने कोई कैंडीडेट ही नहीं खड़ा किया मैं इन लैके आवाना जिता के दूजी बार भी आई हुई तीजी पिछे भी मैं सगो मेरे साथी भी रुसे राजपुरे असी सारे कैंडीडेट खड़े किए 29-27 के 29 सीटा से 27 दो इन्हों के वार्ड में छे मैं क्या नहीं थोड़ू मैं जिता गुआन में इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व विदेश राज्य मंत्री महारानी परनीत कौर ने श्री जगदीश कुमार जग्गा व उनकी धर्मपत्नी रंजना वर्मा को कांग्रेस में शामिल होने पर बधाई देते हुए कहा कि जग्गा जी और उन्होंने वाइफ जरूर साढ़े नाल आन जिस तरह हरदयाल जी ने कहा मदन जी ने कहा हरपाल जी ने कहा इस सब का जेड़ा प्यार बनिया रहा उहदा अज नतीजा यह हैगा कि सानू इन्हां दे जुड़न दे नाल बहुत ज़्यादा ताकत मिली है। सो लख लख वधाई और बहुत दिलों जी आया जग्गा जी रंजना जी और थोड़े सारे जिहड़े साथी क्योंकि कल्ला बंदा तो हुंदा है नहीं ताकत तो साथियों नाल ही मिलती है थोड़े सारियां दा बहुत बहुत जी आया नूं बहुत खुशी हुई और मैं आस रखदी हां कि रल के हरदयाल जी मदन जी मैं होर भी सारे असी थोड़ा पूरा मान सम्मान सम्मान अपनी पार्टी दे विच असी करांगे और एक थानू अपने इत्थों राजपुरे दे लीडिंग लाइट नाल लैके चलांगे। आज जगदीश कुमार जग्गा के कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर सैकड़ों लोगों का हजूम देखकर जहां महारानी परनीत कौर काफी खुश दिखाई दी वहीं आज जग्गा के सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के साथ जुड़ने पर इनके कई राजसी दुश्मनों की भी नींद उड़ती आज न्यूज 89 की टीम ने खुद महसूस की जो शायद ये कभी नहीं चाहते थे कि कंबोज और जग्गा की जोड़ी राजपुरा के विकास की पटड़ी पर मिलकर दौड़े। बाकी जग्गा के कांग्रेस में शामिल होने से पूरे हलका राजपुरा में आज दिवाली जैसा माहौल नजर आ रहा है जो शायद राजपुरा के इतिहास में आज दर्ज किया जाएगा। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी दिनेश सचदेवा न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद।